फ्रेंड्स, मैं हूँ सारिका और किचन विद सारिका में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज सिचुएशन ऐसी है कि लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है, हमारे बच्चे घर पर है, हस्बैंड भी घर पर है, सबको छुट्टी है, लेकिन हमें छुट्टी नहीं है। उल्टा हमारा काम तो और भी बढ़ गया है, स्पेशली बर्तन मांजने का काम। तो आज का वीडियो उन लेडीज़ के लिए है जिनके घर मेड आती है और लॉकडाउन की वजह से अभी नहीं आ रही है और जिनको बिल्कुल भी आदत नहीं है बर्तन मांजने की। तो मैंने इसमें वीडियो में कुछ टिप्स बता है जिससे उनको थोड़ी हेल्प हो सकती है उनका काम आसान होने के लिए। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करना ना भूले। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। और मैं रोटी बनाने के लिए और सब्जी काटने के लिए एक ही चीज़ का यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि मैं चॉपिंग बोर्ड पर ही अपनी रोटियां बना लेती हूँ। यूज़ करने के बाद इसे तुरंत ही मैं वॉश कर देती हूँ। सेम उसी तरह जिस कढ़ाई में मैंने था सुबह पोहे बनाए थे, तो उसी में मैं आटा गूंथ देती हूँ। इसी तरह सब्जी की कढ़ाई को भी आप यूज़ कर सकते हो, जिससे आपके बर्तन कम पड़ेंगे। तो बस कढ़ाई को थोड़ा सा धो लिया और उसी में आटा गूंथ लिया। इसी तरह के से दूध के बर्तन में भी आप आटा गूंथ सकते हो, जिससे कि आपके बर्तन कम पड़ेंगे धोने के लिए और आपकी मेहनत भी कम हो जाएगी। ये सारे बर्तन हैं जो अभी मुझे वॉश करने हैं। इसके लिए मैं जो कढ़ाई में मैंने आटा गूंदा था उसी में मैं सारे छोटे छोटे बर्तनों को एक साथ वॉश करने वाली हूँ, जैसे कि कटोरी, चम्मच, स्पून, स्पैटुलास वगैरह को एक ही बर्तन में मैं वॉश करूँगी और डिशेस को मैं इस रैक में लगा रही हूँ। अब इसमें डिश वॉश लिक्विड डालूंगी और इसे अच्छे से उबाल दूंगी। जैसे कि डिश वॉशर में डिशेस इसी तरह से वॉश होते हैं, इसे साफ पानी में सारे बर्तन को निकाल कर रखूंगी। अब इन सारे छोटे बर्तनों को भी मैं इकट्ठा ही साफ पानी से धो दूंगी। डिश वॉश करने का और एक आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है कि आपको एक बॉटल में डिश लिक्विड को पानी के साथ डाइल्यूट करके भर के रखना है और उसे इस तरीके की डेटॉल की कैप लगानी है, जिससे कि कोई भी आसानी से इसे प्रेस करके निकाल सकता है। और आपको आपकी फैमिली मेम्बर्स को कन्विंस करना है कि खाना खाने के तुरंत बाद वो अपनी खुद की डिश क्लीन करके रख दे। जैसे कि यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी उसकी खुद की डिशेस खुद वॉश कर रहे हैं। इसके लिए इसे थोड़ा आपको कन्वीनियंट बनाना है। सामने ही आपको डिश लिक्विड सोप रखना है इस तरीके से बॉटल में, जिससे कोई भी छोटा बड़ा घर में आसानी से इसमें लिक्विड लेकर मज़े से अपनी डिश को वॉश करके रख देगा, तो आपका काम भी आसान हो जाएगा। तो इन दोनों में से आपको कौन सा तरीका ज़्यादा पसंद आया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मेरी नेक्स्ट वाली टिप है, बर्तन मांजने में जो सबसे डिफ़िकल्ट टास्क होता है वो दूध के पतीले और चाय के पतीले से दाग निकालना। तो उसके लिए आपको उसको भिगो के रखना है और बाद में इस स्क्रबर पे नमक लेके, सिर्फ नमक लेना है आपको और कुछ नहीं लेना है, नमक लेके आपको इस तरीके से इन पतीलों पे स्क्रब करना है। नमक थोड़ा खुरदरा होता है, इसकी वजह से ये स्टेन आसानी से निकल जाते हैं।
चाय की छलनी भी काफ़ी टाइम यूज़ करने के बाद बहुत गंदी लगने लगती है, तो उसे क्लीन करने के लिए आप उसे इस तरीके से गैस की फ्लेम पर जला सकते हो, उसका सारा डर्ट उसे निकल जाएगा। मिक्सर के बर्तन को भी क्लीन करने के लिए आप ये स्मार्ट तरीका यूज़ कर सकते हो। इसमें आप डिश लिक्विड सोप ले लीजिए और थोड़ा सा पानी डाल के उसे मिक्सी में लगा दीजिए। और देखिए मिनटों में ही आपका मिक्सर जार जो है एकदम क्लीन हो जाएगा। तो घर में जितने भी फैमिली मेंबर है हर एक की एक पर्सनल वाटर बॉटल रखे, जिससे कि बार बार ग्लासेस यूज़ नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए।